माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, दिल्ली के माननीय नागरिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुखगण व अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य पथ के उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, सशक्त नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप देश के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व की ये परियोजना, जिसकी कल्पना तक किसी सरकार ने 70 साल में नहीं की थी, वे आज साकार होने को है। विश्व के सबसे विशालतम, पुराने और जीवंत डेमोक्रेसी भारत के पूरे गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उसको 20वीं सदी और कॉलोनियल युग से निकालकर 21वीं सदी, जो भारत की सदी कही जा रही है, लाने का और सक्षम बनाने का ये प्रोजेक्ट है। इस महत्वाकांक्षी और अत्यंत आवश्यक प्रोजेक्ट के पहले चरण में कर्तव्य पथ का आज उद्घाटन किया जा रहा है। कर्तव्य पथ का नव भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली का हृदय है। इसका विश्व स्तरीय रूप से सृजन करना हमारी आकांक्षा ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2022 को लाल किला से देश को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2047 तक पंचप्रण का आह्वान किया था। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। विकसित भारत का बड़ा संकल्प, अपने अंदर गुलामी का एक भी अंश नहीं रहने देना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमें एकता और एकजुटता के साथ रहना है और प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज कर्तव्य पथ के शुभारंभ के समय ऐसा लग रहा है कि 130 करोड़ भारतवासियों के अमृतकाल का सपना साकार करने का भव्य पथ हमारे सामने खुल रहा है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का निर्णय इस बात की याद दिलाएगा कि लोक सेवा का मूल सार जनता पर राज करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इस पथ को आर्टरी ऑफ गवर्नेंस, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल कह सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये परिवर्तित पथ पूर्ण रूप से सौंदर्य और सुविधा का मिलाप है और आंतरिक रूप में से ये एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। आज के उद्घाटन के बाद आम जनता इन सब का पूरा तरह से आनंद ले सकेगी। महानुभवों, इस पथ पर चलकर हम सही मायने में भारत के विकास का इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये पथ है सबके पंचप्रण का, प्रयास का और प्रगति का। इसी तरह आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश इस महान सुपुत्र के बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा और उनसे हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद।